चंगीलाल और मंगीलाल गुरुजी के पास गया। दोनों गुरुजी के चरणों की सेवा करने लगे। चंगीलाल ने गुरुजी का दायां पैर पकड़ लिया, मंगीलाल ने बायां, बंटवारा कर लिया। चंगीलाल बोला हम आज से केवल दाएं पैर की सेवा करेंगे, मंगीलाल बोला हम आज से केवल बाएं पैर की सेवा, दोनों एक दूसरे के पैर को नहीं छुएंगे। बंटवारा हो गया। गुरुजी तो एक ही है, चेला दो, अब पांव भी दो हैं। हमने सुना है वो चेला भी टीकमगढ़ के ही थे। अब ये नहीं है पता कि कहां रहते थे, पर कल हम आपको मकान नंबर बता देंगे। दोनों गुरुजी की सेवा करने लगे। एक बार चंगीलाल हो गया अब्सेंट, आया ही नहीं घर से, घरवाली ने नहीं आने दिया। मंगीलाल भर आया। अब गुरुजी का, मंगीलाल का पैर था बायां, तो बायां पैर भर केवल दबावे। गुरुजी बोले भाई थोड़ा दायां भी दबाओ। चेला बोला वो तो बंटवारे में गया, सब करेंगे पर हम दायां पैर छुएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आया ही नहीं, जिसका बंटवारा हुआ है जिससे वो आया ही नहीं, तो हम क्यों छुएं? गुरुजी बोले भाई देखो बंटवारा तो तुम लोगों ने किया है पर पैर तो, चरण तो हमारे। बोले चरण जरूर तुम्हारे पर बंटवारा तो हमारा है। गुरुजी बोले भाड़ में जाओ, कौन बहस करे। गुरुजी लेट गए, लेटे लेटे उन्होंने करवट लिया, सो बाएं पैर पे दायां पैर धर दिया। जहां बाएं पैर पे दायां पैर रखा, सोई चीला का दिमाग खराब। एक तो ये आया नहीं है इस हिस्से वाला आदमी, ऊपर से हमारे हिस्सा के ऊपर दबा, हमारे हिस्सा के ऊपर रखा, दिमाग खराब चीला को, ढाई हाथ को डंडा, ढूंढो चेला, ढाई हाथ को डंडा लेके दायां पैर में दे दना दन, तीन जगह से तोड़ दो। गुरुजी बोले क्या कर रहे हो? चेला बोलो क्या कर रहे हो? एक तो ये आया नहीं है, ऊपर से इतना बलवान कि हमारे हिस्सा के ऊपर ये आएगा। गुरुजी बोले यार चरण तो हमारे। बोले बंटवारा तो हमारा। गुरुजी बोले भाग, यस भाग भाग, दिमाग खराब कर दिया, तोड़ दिया। चेला तो भग गया, गुरुजी को पलस्तर लगवाना पड़ा। वो तो भगवान की कृपा का टीकमगढ़ में हॉस्पिटल भी था उस जमाने में भी। गुरुजी ने पलस्तर लगवाया, सुबह हुई, लाठी लेकर के कुर्सी पे गुरुजी बैठे सुबह। अब आया चंगीलाल, चंगीलाल ने देखा गुरुजी और चरण में प्लास्टर, क्या हुआ है? गुरुजी कुछ नहीं, तुम्हारा बंटवारा खा गया है। क्या? अरे तुम लोगों ने ये बंटवारा कर दिया, ये दायां और बायां। उस चक्कर में उस मूर्ख ने, कल इतना मूर्ख आदमी, चरण का बंटवारा हुआ पर चरण तो हमारे। बोले गुरुजी कितनी जगह से टूटा? गुरुजी बोले तीन। चंगीलाल बोला हमारे हिस्सा की और ये दशा। उसने छह हाथ को ढूंढो, जो ठीक था दे दना धन। गुरुजी बोले का कर रहे? चेला बोलो बलदा पट्टा रहे। गुरुजी बोले चरण तो हमारा है। चेला बोला बंटवारा भी हमारा है। और बोले गुरुजी सही सही बताओ कितने जगह से क्रैक बो? गुरुजी बोले तीन चार, इन्हें आठ जगह से कर। गुरुजी अपंग ही हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने आज तक दीक्षा नहीं दी है, टीकमगढ़ वालों को तो दी नहीं है। हमको मिले थे अभी बीच में, हमने कहा टीकमगढ़ चलोगे? बोले नहीं। हमने कहा कुछ दीक्षा? बोले बिल्कुल भी हमारी इच्छा नहीं। वैसे भगवान की कृपा से 6-7 बार ऑपरेशन उनका हो चुका है, ठीक है,
चल रहे हैं बैसाखी की बदौलत, अभी ठिकाने भी नहीं लगे, 20-25 साल हो गए हैं। ऐसे भी चेला मार्केट में पाए जाते हैं, तुम लोग नहीं हो ऐसे। अपने ऊपर मत ले जाना कि तुम अपने लिए ले जाओ। ये तो हमने चंगीलाल और मंगीलाल टीकमगढ़ वालों की बात की है। तुम लोग तो बहुत सज्जन आदमी हो, सज्जनता फूट फूट के भरी है। इतने सज्जन हो कि कथा में सबसे लास्ट में ही आते हो। इतने सज्जन हो तुम लोग कि पिछली साल की कथा सुन ली, आज भी ध्यान नहीं है तुम्हें। तो ये तो तुम्हारी बात है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अबे हम 3 दिन और कथा करनी भी है यहां। तो कुछ ऐसे भी चेला होते हैं। लेकिन एक बात और, गुरु झुकना सिखाता है। गुरु के चरण में जाने वाला व्यक्ति अभिमान रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है। और कभी भी गुरु के पास जाना तो दिमाग से मत जाना, गुरु के सामने जब भी जाना तो दिल लेकर जाना। गुरु की सेवा दिमाग का खेल नहीं है साहब, गुरु की सेवा तो दिल का खेल है। दिमाग से जाओगे घाटा खाकर आओगे, दिल से जाओगे तो बहुत कुछ लेकर आओगे। दिमाग से जाना ही नहीं।